व्यक्ति के पास जब पैसे आते हैं तो फिर ये ज्ञान देने लगता है मेरे पास पहले, भी थे। कोई पहले नहीं करता था कि क्या थोड़ा और मिल जाता तो नहीं करते करते में गया था पिछले दिनों और तीन चार हजार की क्राउड थी और बच्चे फोटो लेने के लिए परेशान थे संभव नहीं है मैं दो हजार लोगों के साथ सेल्फी ले पाऊँ मुझे बुरा लगा मुझे भीड़ में वैसे खो के चले जाना अच्छा लगता है जहाँ कोई ना पहचाने और किसी की भावनाएं मेरी वजह से एक रत्ती भी ना दुखे और मैं अपना जर्नी यात्रा करके घूम के आ गया पॉलिटिक्स ज्वाइन कर कभी कर भी सकता हूँ पता नहीं गिव अप करने का सोच रहे हो क्योंकि तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें लग रहा है कि यार वो बहुत छोटा है तुम अटक गए हो तुम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो इस काम से ना तुम्हें फेम मिल रही है ना तुम्हें पैसा मिल रहा है ना तुम्हें और काम मिल रहा है तो ना लगे रहो क्योंकि तुम जब लगे रहोगे और छोटे छोटे काम कंसिस्टेंटली करते जाओगे ना तभी तुम्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और तभी तुम्हें बड़ा काम मिलेगा क्योंकि ना देखो तुम जब तक हार नहीं मानोगे ना तभी तक तुम्हारे पास जीतने का चांस है और आज का जो ये एपिसोड है इज़ विद द गेस्ट जो ये लगे रहो की रियल लाइफ एग्जाम्पल है पंकज त्रिपाठी सर इनका फर्स्ट रोल था 2004 लक्ष मूवी में जो मूवी में आया ही नहीं उसके बाद भी ये लगे रहे उसके बाद इन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे रोल्स करे कभी भी ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है इससे मैं स्टक हूँ और क्योंकि ये लगे रहे और इन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा इसी की वजह से आज ये इतने बड़े स्टार बन चुके हैं जिनको हम सब जानते हैं सो इन्जॉय द शो इस एपिसोड में तुम्हें एक नया नज़रिया देखने को मिलेगा और बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स और कहानियाँ देखने को मिलेगी जो शायद इनके बारे में हमें नहीं पता थी बिफोर यू डू दैट राजमानी क्लिप्स और राजषुमानी शॉर्ट चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स ला देते हैं ताकि आप एक बेहतर लीडर बन सकें कम समय में इन्जॉय द शो सर so, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए बट मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड इस पॉडकास्ट के लिए और मैं बहुत भी और... नर्वस भी हूँ और अब नर्वस कदापि ना हो मैं भी आपकी तरह ही एक लड़का हूँ जो खैर बातचीत में ही ये बातें कर नहीं मैं नर्वस इसलिए क्योंकि मैं बहुत मुझे आपका कैरेक्टर्स बहुत पसंद है मतलब मुझे ऑब्वियसली सब बोलते हैं तो मैं कुछ भी निकालना था इनफैक्ट एक रील थी इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल हुई थी अगर आपने देखी हो जहाँ पे ऐसे आपकी गर्दन हाँ, कर दिखा हाँ, जी जी, तो जी वो जी, मैंने जी. इतने लोगों को शेयर करा है क्योंकि मुझे इतना पसंद आया था मिर्जापुर में नाट्य शास्त्र जो किताब है अभिनय की जो भारत में एग्जैक्ट किसी को न, नहीं मालूम कि कब लिखी गई है वो पुस्तक हाँ। भरत मुनि उसके रचयिता है पर तीन चार हजार साल पुरानी ही होगी उसमें नाट्य शास्त्र में तेरह प्रकार के गर्दन के मूवमेंट लिखे हुए हैं सहमति के असहमति के शौक के कि तेरह गर्दन तरह के गर्दन, के गर्दन के मोमेंट गर्दन के मोमेंट लिखे हैं और उसके बाद लिखी हुई है एक लाइन कि अभिनेता चाहे तो और भी अन्य प्रकार वो अपनी रचनात्मकता से रचनात्मकता क्रिएटिविटी को बोलते हैं और कुछ निकाल सकता है वो चौदह पंद्रह सोलह प्रकार भी हो सकते हैं बीस भी हो सकते हैं तो जब मैं पढ़ा तो मैं चकित रह गया कि यार ये कितनी प्राचीन पुस्तक में तेरह मोमेंट गर्दन के लिखे हुए हैं तो वो आपको लगता है कि गर्दन और इन सब छोटे छोटे मोमेंट्स के थ्रू लोग को महसूस करवा सकते हैं हाँ करवाया जा सकता है करवाया जा सकता है लेकिन सोशल मीडिया कमाल की चीज़ है उसका सदुपयोग हो तो बहुत ही बढ़िया है और दुरुपयोग हो तो फिर गड़बड़ है तो बहुत अच्छी चीज़ें भी वायरल हो जाती हैं एक वॉइसलेस को वॉइस मिल जाती है और कई बार निरर्थक चीज़ें भी चर्चित हो जाती हैं उस होड़ में मीनिंगफुल कुछ करना है कि नॉनसेंस करना है इसकी होड़ मच जाती है नॉनसेंस सेंस अगेन मैं कहूँगा लाइफ के लिए ज़रूरी है क्यों सेंस बोरिंग होता है नॉनसेंस रोचक होता है हमारे जीवन में नॉनसेंस का थोड़ा अमाउंट होना चाहिए मैं जीवन में बोरिंग आदमी हूँ मैं अभिनेता सरस हो सकता हूँ रस भरा मैं व्यक्ति बोरिंग हो सकता हूँ शायद मुझे भी लगता है क्यों सर कैसे बोरिंग अभी आपकी एक क्लिप वायरल हुई जहाँ पे आप बढ़िया गाने बैठ रहे हो सब लोग मंडली बना के बैठे हैं देखा उस हाँ, की माला तो तो जी जी वो तो इंटरेस्टिंग भाव है रोचक गाने बजाने हाँ हम मुझे शौकीन मैं संगीत मुझे बेहद पसंद है अगर कोई लाइव हारमोनियम बज रहा हो ना और हुँ. तबला ढोलक नाल बेंजो कोई भी इंस्ट्रूमेंट लाइव कहीं सुनाई दे रही हो ना मैं गाड़ी रोक के उतर के चला जाता हूँ मुझसे रहा नहीं जाता है मेरी बॉडी जो है रिजेक्ट कर देती है कि यहाँ से आगे नहीं जाना है चलो सुनो कौन बजा रहा है क्या बजा रहा है और मैं सुनता हूँ आपकी रिलेशनशिप आपने बताया कि आप, आपका लव एट फर्स्ट साइट था राइट right. और आजकल ना लोग काफ़ी डरते हैं ये कमिट करने में डे वन पे ही या बहुत जल्दी लाइफ में वो बहुत सालों तक किसी के साथ रहते हैं उसके बाद भी उनको श्योरिटी नहीं होती वो सोचते हैं कि और कुछ बेहतर होगा और कोई बेटर होगा और कमिटमेंट का जो ग्राफ है वो कम होते जा रहा है राइट right. तो कैसे लोग यही रहें कि लोग श्योर रहें मतलब कब एक पॉइंट आता है एक्चुअली बेटर क्वेश्चन ये होगा कब ये पॉइंट आता है कि जब आप श्योर हो जाते हो कि यही मेरा पार्टनर होगा आपके लिए वो पॉइंट क्या था मेरे लिए कुछ नहीं था मेरे लिए वो पॉइंट मेरी भीतर की चाहत थी और ट्रस्ट था कि हम प्रेम करते हैं इनके साथ जीवन बुरा भी होगा तो भी आनंद ही होगा क्योंकि तो हम प्रेम तो करते हैं ना प्रेम करना मतलब सिर्फ हमारी अपनी चाहत पूरी हो मैं जो चाहता हूँ वैसा हो फिर प्रेम नहीं है प्रेम में शर्त नहीं होती प्रेम बांधने का नाम नहीं है प्रेम छोड़ने का नाम है मुक्त करिए और मुक्त रहिए हम समय बदला है मैं ये मैं 25 30 साल पहले प्रेम किया था और वो दुनिया और आज की दुनिया बहुत बदली है तो ज़रूरी नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस आज के बच्चों पे भी कारगर हो लेकिन इतना जानता हूँ कि प्रेम में ना थोड़ा सहने की थोड़ा छोड़ने की त्यागने की क्षमता होनी चाहिए प्रेम पाना नहीं है प्रेम त्यागने का ही नाम है कि ठीक है आप स्वतंत्र रहने दीजिए आप मेरे हिसाब से तुम नहीं चलोगी तुम्हारे हिसाब से भी मैं नहीं चलूँगा प्रेम है हम कोई कोई परफेक्ट नहीं है दुनिया में ना हमारी प्रेमिका परफेक्ट है ना हम परफेक्ट हैं हम सब ह्यूमन अपने अपने कमियां एरर के साथ होते हैं परफेक्शन खोजना परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं है जैसे परफेक्ट एक्टिंग नहीं होती बेस्ट धावक हो सकता है जो 100 मीटर आठ सेकंड में पूरा कर ले हुसैन बोल्ट बेस्ट एक्टर नहीं हो सकता है क्योंकि कोई पैरामीटर ही नहीं है तो इसी तरह बेस्ट प्यार नहीं हो सकता बेस्ट प्यार नहीं, नहीं हो सकता पार्टनर नहीं हो सकता पार्टनर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।, नहीं हो सकता है कोई पैरामीटर नहीं है बेस्ट का हम सब में कमियां हैं उसमें भी हम में भी एंड ऑफ द डे आदमी तीन चीज़ें चाहता है स्वतंत्रता आजादी फ्रीडम पीस और हैप्पीनेस शांति प्रेम तो ये कैसे मिलेगा इस पे काम कर लो हम चाहेंगे तुम हमारे हिसाब से बदल दो और मैं तुम चाहो तुम मेरे हिसाब से बदलो फिर तो आप पीस की उम्मीद भूल जाइए एक क्वेश्चन की जब तो आप पार्टनर की बात कर प्यार की बात कर राइट और आपने बोला कि हम हमारी तरफ की दुनिया देखते हैं और इसकी वजह से हम इनकम्प्लीट हैं या हम में भी फ्लॉ है सामने वाले में फ्लॉ है लेकिन शांति से खुश रह के हमने अगर निर्णय ले लिया उसके साथ रहना है गलत भी बेकार जीवन भी हो तो साथ में रहेंगे राइट रहे? ऐसा सेम माँ बाप और बच्चों के बीच में भी होता है लेकिन आजकल सोशल मीडिया और इन सब के एक्सपोजर की वजह से हमारी जनरेशन जो है वो काफ़ी रिबेलियस टाइप की हो गई है कि हमें जो पता है वो आपको नहीं पता है राइट और हम हमेशा लड़ने की कोशिश करते हैं कि हमारे तरीके से करियर ऐसा होगा या आज के ज़माने में ये चलता है और बहुत सारी चीज़ें पे डिसग्रीमेंट होते हैं तो आपकी रिलेशन आपकी डॉटर के साथ कैसी है और अगर डिसग्रीमेंट होते हैं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कि इसकी दुनिया शायद मुझे नहीं पता दो चीज़ें होती हैं मेरा थॉट आ गया आपके प्रश्न के बीच में एक बच्चे को पता होता है सूचना एक होता है इन्फॉर्मेशन जो हमने कहीं पढ़ा कहीं देखा सूचना मिल गई हम तक और एक होता है ज्ञान नॉलेज इन्फॉर्मेशन को नॉलेज मत मानो कभी भी वो इन्फॉर्मेशन है नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है सिर्फ पढ़ने से नहीं आता है पढ़ने से सूचना आ सकती है वीडियो देख के सूचना आ सकती है नॉलेज एक्सपीरियंस से आता है एक्सपीरियंस उम्र से आती है बहुत और पेरेंट्स भी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना चाहिए आ, मेरी बेटी उस एज में उतनी मैं उतना नहीं जानता था जितनी मेरी बेटी जानती है सूचना भी और नॉलेज भी दोनों इंक्लूड कर रहा हूँ मैं तो मुझे कई बार मैं सुनता हूँ और समझता हूँ कि इसका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ ये थॉट कहाँ से आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं और मुझे लगता है कि छोड़ दो सिर्फ मैं जो कह रहा हूँ वही ना माने वक्त के साथ इसको भी अपना समझ डेवलप हो जाएगा और समझ जाएगी कर लेगी हम भी जब मुंबई आए थे मेरी पत्नी बोलती हमें तो कुछ नहीं मालूम था कुछ नहीं आता जाता था आपने एक बात बोली थी आपके एक इंटरव्यू में जहाँ पे आपने बोला था कि हिंदुस्तान के हर बच्चे को बैकपैक करके एक बार हिंदुस्तान घूमना चाहिए भले लोकल ट्रेन में ट्रेन में कहीं भी बैठो और तुम्हें हर हिंदुस्तान का कोना कोना देखना चाहिए तो ऐसा क्यों बोला क्यों हमें हर चीज़ देखना ज़रूरी है और क्यों हर बच्चे को ही देखना चाहिए क्योंकि हम एक माहौल में पले बढ़ते हैं मान लो हमने अपनी रूट्स जान ली ये हम इस प्रदेश के हैं हमारा खाना ऐसा है पारंपरिक ट्रेडिशनल खाना हमारा पहनावा ऐसा है अब तो कपड़े अर्बन सेंटर में मिलजुल गए हैं मुश्किल है पहचानना हम सब अमूमन जीन्स टी शर्ट पहनते हैं वो उसकी अपनी कोई लैंडस्केप नहीं है कि वो कहाँ से हाई है ये है वेस्टर्न है वेस्टर्न बोल देते हैं बट हमारे यहाँ राजस्थान के कपड़े कच्छ के कपड़े बिहार के कपड़े थोड़े अलग अलग हैं उनके रंग उनके टेक्सचर उनकी बुनावट और उनके पहनने का तरीका भी अलग है तो चलो आपने रूट्स जान ली क्या सवाल पूछा था आपने घूमना हाँ आप है अपना है? रूट्स मान लो जान लिए कि मेरा फूड ये है मेरे पूजा की पद्धति ये है मेरा एक्सप्रेशन ऐसा है अब आप जब इस देश को घूमेंगे ना तो एक भारत के दक्षिणी हिस्सों में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ का भोजन अलग है हो सकता है वहाँ के आदमी की पूजा की पद्धति अलग है जो आपके जैसी नहीं है तो पहली बार आप देखेंगे कि यार ये तो, तो कुछ गड़बड़ कर रहा है तो मेरे जैसा नहीं कर रहा है तो ये अलग है क्या कौन है ऐसा क्यों है तो जब अलग अलग लैंडस्केप देखेंगे अलग अलग भोजन करेंगे अलग अलग पूजा पद्धति लोगों भाषा जेस्चर से मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं जैसा मैं हूँ वैसे अलग अलग बहुत सारे लोग हैं और इन सबको मिला के ये देश बनता है तो आपका सोचने की थॉट प्रोसेस है वो बड़ा होएगा कुआँ के मेढक एक कहावत है कि आप इस बिल का मेढक को लगता है संसार इतना ही बड़ा है संसार बहुत बड़ा है निकलो घूमो देखो दूसरी भाषा संस्कृति कल्चर को देखोगे तो आप में बहुत कुछ बदलाव होगा और आप सबसे बड़ा बदलाव होगा कि एक्सेप्टेंस आएगी कि जो मुझ जैसा नहीं है आ, मैं भी किसी के जैसा नहीं हूँ हो सकता है उसके लिए क्योंकि वो मेरे जैसा नहीं है उसको लग रहा है ये मेरे जैसा नहीं है और जब एक्सपोजर बढ़ेगा तो प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी हर किसी इंसान हर की। किसी इंसान की तो आप में एम्पैथी सिम्पैथी इंपैथि, करुणा दया बढ़ेगा और आप बेहतर आदमी बनेंगे ये जीवन की यात्रा मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम पैदा होते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं और मृत्यु के दिन तक बहुत कुछ जान लेते हैं या जानना चाहते हैं तो ना कुछ जानने से बहुत कुछ जानने की यात्रा है जिसको जीवन कहते हैं इसमें करियर पैसा रुपया कमाई सब है मैं ज्ञान दे रहा हूँ कई लोग बोलते हैं कि आदमी जब सक्सेसफुल मैंने अपने ही इंटरव्यू में कमेंट पढ़े हैं कि व्यक्ति के पास जब पैसे आते हैं तो फिर ये ज्ञान देने लगता है मेरे पास पहले भी ज्ञान थे कोई पहले इंटरव्यू नहीं करता था कि मैं ज्ञान दे पाता और देता तो कोई सुनता नहीं एक और मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पर आपने बोला था कि आप गाँव से आते हो आपके टाइम पर ऐसा था कि सोने के लिए आपको अलार्म नहीं चाहिए था क्योंकि आठ बजे आ जाती थी राइट तो आपको लगता है कि जो छोटे शहरों से आते हैं जो गाँव से आते हैं उन लोगों के पास एक एडवांटेज होता है शहर वालों के ऊपर क्योंकि उन्होंने लाइफ बहुत नज़दीक से देखी होती है मैं शहरी बच्चे के लाइफ एक्सपीरियंस को कम नहीं करूंगा ये बोल के कि उनका ग्रेट एक्सपीरियंस है इनका ग्रेट एक्सपीरियंस नहीं है सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है एक अर्बन बच्चा जो जो सुबह पाँच बजे से शहरी साउंड को सुनता है और उठता है और वो लोकल ट्रेनों के साउंड से सोता हो तो अपना अपना अनुभव है अब सेंसेज की बात आती है सेंसेज पाँच सेंसेज हैं हमारे एक्टिंग में बहुत महत्वपूर्ण है ये पांचों साउंड दो प्रकार की होती हैं मेनली एक होता है मधुर एक होता है कर्कश जो कान को अच्छा लगे वो मधुर साउंड है जो कान को बुरा लगे वो कर्कश साउंड है उसके बाद अलग है मधुर में भी बहुत प्रकार हैं और कर्कश में भी बहुत प्रकार हो सकते हैं लेकिन मेनली अगर साउंड को डिवाइड करें तो दो हिस्से हैं जवान को डिवाइड करें तो तीन हिस्से होंगे मीठा खट्टा नमकीन अब उसमें खट्टे की वैरायटी बहुत हो सकती है नमकीन की वैरायटी बहुत हो सकती है और मीठे की भी दो चार प्रकार हो सकते हैं गुड़ का मीठा अलग चीनी का मीठा अलग खजूर का अलग तो एक गांव से आए बच्चे के सेंसेज ना वो बेहतर साइड जो साउंड का बेहतर क्वालिटी है उसकी तरफ से, से ज़्यादा इंक्लाइंड होता है क्योंकि उसने अर्बन साउंडस्केप को नहीं सुना है उसने चिड़िया की आवाज़ सुनी है उसने पत्तों का शोर सुना है उसने गाय की घंटी सुनी है आप सुनते जाओ गाँव का साउंडस्केप आप सुनोगे तो सब मधुर है क्योंकि ट्रैफिक नहीं है क्योंकि स्ट्रॉन्ग हॉर्न नहीं है वो ए के साउंड नहीं है तो उसका तो उसके सेंसेज में कुदरती रूप से जो आ, उसके आँखों के सेंसेज के ही बात कर लो तो वो ग्रीन बहुत देखा है सालों भर ग्रीन देखता है और ग्रीन के अलग अलग वेराइटीज़ देखता है गेहूँ को हरा से पीला होते देखता है वो अपने घर के सामने के पौधों के पतझड़ देखता है बसंत देखता है सहारा पीला होते पत्तों को देखता है तो उसके सेंसेज की ट्रेनिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है सेंसेज में जो अच्छे साइड हैं उधर हो जाती है अर्बन में मुश्किल है हम कितना ग्रीनरी खोज पाएंगे अर्बन लैंडस्केप में हम साउंड को कैसे फिल्टर करेंगे तो बाक़ी एक्सपीरियंस दोनों के लाइफ का अलग है और ये भी जरूरी है मैं जो अर्बन एक्सपीरियंस है वो भी ज़रूरी है क्योंकि आप जब तक दोनों अनुभव नहीं करोगे तब तक संपूर्ण नहीं होोगे मेरी आधी जीवन गांव में गुजरी है पच्चीस साल और बचा हुआ फॉर ट्वेंटी फोर ईयर्स मेट्रोज में होगा दिल्ली और मुंबई में तो मेरे पास दोनों का अनुभव है और दोनों की अच्छाइयों को मैं जानता हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे जो लगता है मेरे लिए मतलब मैं थोड़ा सा सेल्फिश होकर पूछ रहा हूँ कि गैंग्स ऑफ वासेपुर एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे बहुत लोगों ने फिर उसके असर आया ऐसा क्या था गैंग्स ऑफ वासेपुर में कि उसके बाद सारे जो उनके एक्टर्स थे सब आज बहुत ज़्यादा लोगों के लोकप्रिय बन गए बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं मनोज वाजपेयी जी को पसंद करते हैं जयदीप अलावा जी फिर नवाज सर ना हर ना। कोई आप लाइक एक... सब एकदम से बने। तो उस मूवी में ऐसा क्या खास था या अनुराग कश्यप सर में ऐसा क्या खास था कि जो सारे लोग एकदम से बड़े बन गए खास बात जो थी उसका नाम टैलेंट है उन सब लोगों में टैलेंट था टैलेंटेड लोग थे मौके नहीं मिल रहे थे एक फिल्म में मौके मिल गए और चूंकि बड़े स्टूडियो ने फिल्म को रिलीज़ किया तो हज़ार बारह सौ पंद्रह सौ जितने स्क्रीन पे ठीक ठाक रिलीज थी उस फिल्म की और उसके बाद जब वो डिजिटल पे फिल्म आई तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने देखा तो मेन असल खेल टैलेंट और उनको एक अनुराग कश्यप जैसे विजनरी डायरेक्टर मिले अब सोशल मीडिया की वजह से हर एक्टर एक परसेप्शन एक इमेज बनाने के पीछे लगा हुआ है या इसी हिसाब से पूरा करियर वैसे बनता है कि एक इंसान की एक पॉइंट आता है जहाँ पे आर्टिस्ट बड़ा हो जाता है आर्ट से भी कि जहाँ लोग उनके आर्ट की वजह से नहीं जाते वो जाते हैं सिर्फ क्योंकि वो आर्टिस्ट है तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ता उनकी अच्छी मूवी है बेकार मूवी अच्छी एक्टिंग है इट्स जस्ट कि मुझे पसंद है वो आर्टिस्ट इतना बड़ा हो गया क्योंकि इमेज परसेप्शन इतना बड़ा बन गया तो आप सोचते हो कि, कि आपकी इमेज कैसी बनेगी या कैसा बनाना है परसेप्शन आप भी अगर याद करेंगे तो मेरे शुरुआती दिनों में जब मैं इतना ज़्यादा मीडिया में नहीं होता था इंटरव्यूज़ नहीं होते थे तो लोग मुझे सुल्तान कालीन भैया Uh, माधव मिसा मेरे किरदार पहले पॉपुलर हुए हैं मेरा हाँ। नाम बाद में आया है जब गैंग्स ऑफ होसेपुर आई थी तो इंटायर दुनिया से पाकिस्तान से बहुत सारे लोग uh, मैसेज करते थे और जगहों <laughs> से भी उन्हें मेरा नाम नहीं मालूम था सुल्तान के नाम सुल्तान के नाम से जानते थे तो मुझे हमेशा लगता है कि किरदार बड़े होते हैं व्यक्ति छोटा होता है अटल जी बहुत बड़े व्यक्ति किरदार थे वो तो खैर लिविंग लीजेंड हैं वो जीवित व्यक्ति हैं वो कोई फिक्शनल किरदार नहीं है उनकी फिल्म अभी आने वाली है उन्नीस जनवरी को तो मैं जीवन में सिनेमेटिक जीवन की बात कर रहा हूँ अटल जी के किरदार के सिवाय तो वो चरित्र एह, बड़े होते हैं कहानियाँ बड़ी होती हैं हम अभिनेता बहुत छोटे होते हैं चूँकि अभिनेता का चेहरा दिखता है वो प्रोमो में वो एर, डायलग प्रोमो में वो मार्केटिंग में दिखता है तो उसको लगता है बहुत बड़ा है बड़ी कहानी होती है बड़े किरदार होते हैं वो हमें बनाते हैं तो आप चूज़ नहीं करते आप अपनी स्क्रिप्ट अपने किरदार के बेसिस पे मैं कैसा दिखूंगा जैसा अटल जी आपने चूज किया नहीं मैं ये कुर्ता पजामा जीवन में भी पहनता हूँ आरामदायक कपड़ा है तो मैं नहीं चूज़ करता मैं मुझे लगता है कि मेरे की सिनेमा की छवि अलग है वो सिनेमा में ही रहे मेरा जीवन में पर्सनल जीवन बहुत मिनिमम आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे तो सिर्फ त्यौहार के त्योहार मेरी अपनी निजी फोटो दिखेंगे गणपति में दिवाली में कोई त्यौहार है और घर में पत्नी मना रही हैं तो कर डाल दिया कई बार पत्नी दबाव देती हैं कि आज तो डालो फोटो हम सबका मैं डाल देता हूँ और फिल्में आती हैं तो ऑफ कोर्स वो पार्ट ऑफ द प्रमोशन है तो आपको उसके ट्रेलर प्रोमो बहुत डालना है वो भी अधिक डालने में मैं कई बार संकोच करता हूँ कि लोग बोर ना हो जाएंगे इतने ट्रेलर इतने पोस्ट क्यों डाल रहा है बट ठीक है वो एक हिस्सा है काम का तो मैं परसेप्शन बनाने में नहीं लगता मुझे लगता है कि आप ईमानदारी से अपने काम करते रहो अटल जी का जैसे आप अब आप उनकी मूवी कर रहे हो उनकी बायोपिक कर रहे हो right. तो कभी ऐसे डर नहीं लगता कि ये तो एक लिविंग लेजेंड जैसे इनको परसीव करती पूरी दुनिया पूरा कंट्री स्पेसिफिकली और उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा है इंडिया की राजनीति में और उनकी बहुत स्पीचेज और वो बहुत पब्लिक पर्सनैलिटी ऐसा भी नहीं है कि उनको किसी ने दिखा है जैसे कालीन भैया या सुल्तान काल्पनिक किरदार है तो उसमें आपने जान भरी। मैं जैसा बनाऊंगा वैसे बन जाएंगे इसमें आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि उनके जैसी आपकी स्पीच थी डिलीवरी थी एक्शन थे तो इस पर डर नहीं लगता कि मैं कैसे करूंगा या क्या प्रोसेस रही कि जो आपने मुझे शुरुआत में लगा क्योंकि मुझे मिमिक्री नहीं करना था मैंने प्रयास किया है उनके विचार पकड़ूं उनकी उस स्पीच के दौरान मनोदशा क्या थी उनका मेंटल स्टेट उनका इमोशनल स्टेट क्या था उस स्पीच में किस द्वंद्व से किस पीड़ा से गुजरे वो पकड़ूँ क्योंकि मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ अटल जी अपना जीवन जी रहे थे मैं जीवन उनके जीने का अभिनय कर रहा हूँ मैं रिक्रिएट कर रहा हूँ तो मैं उस चीज़ को पकड़ने का प्रयास किया हूँ जो जो चेतना है जो उनकी चेतना थी जो उनकी आत्मा थी मैनरिज्म हल्का हो कम हो वो क्योंकि उसमें हम कितना भी स्किलफुल लगेंगे तो हंड्रेड परसेंट नहीं होगा True. लेकिन उनकी मनोदशा उनके वैचारिक दृष्टिकोण उनकी चेतना वो इम्पॉर्टेंट है मैंने इस फिल्म में प्रयास किया है ईमानदारी से जब आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे तब तो आपने ऐसा कुछ नोटिस किया इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में जो आपने इससे पहले कभी नोटिस नहीं किया हो न, ऐसा तो कुछ नहीं नोटिस किया पर अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में ऐसा बहुत कुछ जाना जो पहले नोटिस नहीं किया था वो अद्भुत व्यक्ति थे मैं मुझे लगता था मैं बहुत जानता हूँ क्योंकि मेरे प्रिय नेता हैं तो मैं जानता ही होऊंगा मैं दो बार उनकी स्पीच सुनने गया हूँ रैलियों में पर इस रिसर्च और प्रोसेस पढ़ाई के दरमियान पता चला मैं उतना नहीं जानता था जितना उन विशाल उनका व्यक्तित्व था अटल जी की किरदार ने मुझे और लोकतांत्रिक बनाया है मुझे डेमोक्रेटिक बनाया है भीतर से हुँ. कि आप मुझसे असहमत हैं फिर भी मैं आपसे सहमत हूँ आप मुझे ना पसंद करते हैं ये बात मैं पसंद करता हूँ तो इतना लोकतांत्रिक होना मुश्किल है यही कारण है कि उनको पार्टी लाइन के बियॉन्ड भी उनके भी प्रतिपक्ष के लोग विपक्ष के लोग भी धुर विरोधी भी, भी उन्हें सम्मान करते थे दूसरा कवि थे लेखक थे पत्रकार रहे थे तो जो भाषा पे उनकी पकड़ थी जो संसदीय भाषा का वो प्रयोग करते थे वो आपको इतना ग्रेसफुल लगता था तो अटल जी की फिल्म आम जन के लिए तो आवश्यक है एक यंग पीढ़ी के बच्चे जिनजी और मिलेनियल किट जाने के कितने विराट व्यक्तित्व थे पर मुझे लगता है ये फिल्म राजनीति में ये फिल्म और उनका जीवन सिर्फ फिल्म ही नहीं राजनीति में आने वाले हर व्यक्ति को उनके बारे में पढ़ना चाहिए उनके पच्चीस तीस इंटरव्यूज़ देखने चाहिए कि अब सारगर्भिता से मर्यादा से ओ, कैसे राजनीति की जा सकती है और कैसे जन जन आधार बनाया जा सकता है बहुत पॉपुलर नेता थे मेरे घर में काफ़ी बात होती थी उनके बारे में तो मुझे वैसे पता चला और काफ़ी उनकी आइडियोलॉजीज़ पे बहुत सारी चीज़ों पे मेरे घर में बात करते हैं डिस्कशंस होता था इनफैक्ट मैंने बहुत क्लोजली देखा है क्योंकि कुछ मेरे फैमिली में दोनों पार्टीज़ के लिए दोनों तरफ से लोग होते थे तो hmm. बहुत क्लोजली मैंने उसको नोटिस किया बट शिफ्ट थोड़ा सा मैं करूँगा इधर से आपने एक बात बोली कि हर यंग इंसान को ये देखनी चाहिए जानने के इनके लाइफ के बारे में जानने के लिए इंडिया के पॉलिटिक्स के बारे में जानने के लिए अपार्ट फ्रॉम दिस अभी ना यंग लोगों को बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनना है hmm. ये बहुत ज़्यादा एक थीम चल रही है कि बड़ा व्यक्ति बनना है लोगों ने एंजॉय करना छोड़ दिया है तो हर चीज़ में बस भागो 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 बड़ा, बड़ा बनना है राइट तो आपको क्या लगता है कैसे बड़े बनते हैं क्या बड़ा व्यक्ति बनने की डेफिनेशन क्या होती है रूट जितना मजबूत होगा ना <clears throat> पौधा उतना हेल्दी और बड़ा हो सकता है अगर रूट में दम नहीं है और तुम ऊपर खाद पानी दे भाग रहे हो ना तो एक हल्की आंधी तोड़ देगी लास्ट क्वेश्चन ऑफ़ द डे मुझे पर्सनल क्वेश्चन आपके लिए हिट क्या है सक्सेस क्या है आपकी पर्सनल मूवी को लेके या जो आप ओ पे करते हो शो को लेके सौ करोड़ मार्क क्या वो है दो सौ करोड़ मार्क क्या नंबर का गेम है नहीं है मेरे लिए वो 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 प्रोड्यूसर के लिए सक्सेस है कि हमने दस करोड़ लगाया और हम सौ करोड़ कमा लिए आर का टेन टाइम्स हो गया तो वो मेरे लिए सक्सेस नहीं है मेरे लिए वो कहानी कितना असर की कोर्स वो कहानी को देखने कितने नंबर्स आए फुटफॉल हुए या ओ टी पर कितने लोग आए तभी वो नंबर्स भी बनते हैं तो मेरे लिए सक्सेस वही है कि वो कहानी कितना असर करती है किसी व्यक्ति के जीवन में और उसको कहाँ कितना बेहतर बनने की की तरफ ले जाती है और कितना मनोरंजन करती है ऑफकोर्स मैं मनोरंजन को डिनाई नहीं।, नहीं करता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है ज़रूरी है और बाकी आठ घंटे की नींद हाँ आठ घंटे चैन से नींद चैन के नींद अब के लिए सक्सेस कोई और नंबर कुछ नहीं था कि मेरा पर्सनल इस साल मेरे पैसे ज़्यादा बढ़ गए मैं ज़्यादा वैल्यूबल बन गया या मेरी पर प्रोजेक्ट वो ज़रूरी बढ़ गई वो तो ज़रूरी है दोस्त मैं उससे कैसे इनकार कर दूँगा कि हम कलयुग में जी रहे हैं और घोर कलयुग है एक बाज़ार है मेरे घर के पास मछी मार्केट जब मैं गुजरता हूँ तो उस बाज़ार में बगुले मच्छी दुकान के छत पे टपरे पे और साइड में बहुत बगुले रहते हैं और वो महिलाएं जो बेचती हैं वो कुछ एक सूखी पुरानी मच्छी फेंक देती हैं तो मैं जब छवि देखता हूँ मैंने फ़ोटो भी खींचा था ये घोर कलयुग की निशानी है जब बगुले को मछली के लिए बाज़ार आना पड़ता है और कहाँ है कलयुग इधर ही है आसपास <laughs> तो बाजार तो है मैं बिल्कुल कौन नहीं चाहेगा कि हाँ मेरी प्राइस बढ़ जाए मेरी फीस बढ़ जाए मैं थोड़ा और कमा लूँ वो सक्सेस जो है ना बैंक अकाउंट का सक्सेस है मेरा सक्सेस मीनिंगफुल होने में है मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ लेकिन मीनिंगफुल कैसे हूँ ये क्वेश्चन पूछते हो कुछ से ये सवाल है तो इस पे लास्ट इसी का क्वेश्चन सॉरी फर्स्ट टाइम जब आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया था लक्ष्य आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो बन आ नहीं पाया तो उसमें आपको क्या एक्टिंग फीस मिली थी मुझे याद मिली थी भी थी कि नहीं 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 मिली थी मिली थी अब वो मिली थी पर मुझे प्राइस याद पैसा याद बहुत कम ही मिला होगा मैं फर्स्ट टाइम याद तो आपको फर्स्ट याद कब है कि तब आपको कितने मुझे पैसे रन में आठ हज़ार मिले थे वो याद है आठ हज़ार आठ ले हाँ क्योंकि वो वो उसका याद नहीं है मुझे लक्ष्य का पेमेंट याद नहीं है और जो पहला काम मुंबई में किया था उसमें सत्रह सौ मिले थे मुंबई का फर्स्ट काम वो याद है मुझे और आपका सबसे महंगा प्रोजेक्ट आपको कितना क्या मिला था पैसा और प्यार जितना मिले कम ही लगता है <laughs> या थोड़ा और मिल जाता तो हम मानो है ना आदमी ही है ना तो ग्लैमर में बिलीव नहीं करते ग्लैमरस वर्ल्ड में हो आ नहीं करता हूँ क्यों नहीं करता हूँ पर मैं जब किरदार करूंगा वैसा तो, तो उसके लिए करूँगा सिनेमा में जीवन में मैं नहीं करूँगा मैं मैं उस देश का नागरिक हूं जहां ज़्यादातर लोग अपनी बेसिक चीज़ों के लिए संघर्ष करते हैं मैं उसी समाज से आता हूं उसी समाज में अभिनय करता हूँ तो मुझे दिखावा का आचरण अच्छा नहीं लगता है तो मैंने महसूस किया कि मैं जब कहीं जैसे आईआईटी पवई में गया था पिछले दिनों और तीन चार हज़ार की क्राउड थी और बच्चे फोटो लेने के लिए परेशान थे संभव नहीं है मैं दो हज़ार लोगों के साथ सेल्फी ले पाऊँ मुझे बुरा लगा और मैं निराश हुआ कि मैं तस्वीर सबको नहीं दे पाया तो मुझे भीड़ में वैसे खो के चले जाना अच्छा लगता है जहाँ कोई ना पहचाने और किसी की भावनाएं मेरी वजह से एक रत्ती भी ना दुखे और मैं अपना जर्नी यात्रा करके घूम के आ गया और मुझे लगता है लोग प्रेम करते हैं तभी तो तस्वीर लेना चाहते हैं मैं गांव जाता हूँ तो बारह घंटे में दस घंटे में फ़ोटो खिंचाने घर के बाहर रहता हूँ अंदर सिर्फ खाने के लिए आता हूँ तो मैं शायद पाँच छः लाख लोगों के पास साथ मेरी तस्वीर होगी पिछले तीन चार सालों में मैं भीड़ नहीं है और मुश्किल नहीं है वो क्राउड को कंट्रोल करना तो हर इंडिविजुअल को मैं फ़ोटो दे के आता हूँ तो कई बार मुझे इसलिए मैं वो भीड़ भड़क का शोरगुल बता के आना कि फलाना जी आ रहे हैं मुझे पसंद नहीं है मैं चुपचाप जाता हूँ चुप काम और से काम काम से काम किया, किया वहाँ जाके मास्क हटाया जी नमस्ते मैं हूँ अरे आप, आप बता के क्यों नहीं है बोले कोई ज़रूरत नहीं है मुझे मुझे लाइन पसंद है मैं एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक में भले मेरा बिजनेस क्लास हो अगर वो लाइन लगा है तो मैं चुपचाप लाइन में लग जाता हूँ और निकल के चला जाता हूँ खैर छोड़ो ये प्रवचन की बात थैंक थैंक यू यू और जो अच्छा लगे उसके लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन करोगे कभी कर भी सकता हूँ पता नहीं कभी सोचा है नेता बनने का नहीं नहीं सोचा नहीं है सोचा तो नहीं है पर मुझे पसंद बहुत है राजनीति मैं पढ़ता हूँ जानता हूँ देखता हूँ तो मुझे नहीं मालूम फ़िलहाल अटल जी आप फिल्म हमारी आ रही है वो भी हम कर लें उन्नीस जनवरी को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आप जाएं देखें मैं आपको ज़रूर याद से बुलाऊँगा आप अंधेरी में ही रहते हैं सर। तो यहीं पे कहीं स्क्रीनिंग होगी देखिए बहुत पर, परिश्रम मेहनत से हमने फिल्म बनाई है और देख के अच्छा लगेगा थैंक यू आपका भी और आप सभी देखा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए जी तो काफ़ी स्ट्रॉग लग रहा है उसमें एक डायलॉग बहुत बढ़िया है जो मैं सबको बताऊँगा उसमें एक शायद पाकिस्तानी मोहतरमा है हाँ, वो बोलती हाँ, है आपसे कि विवाह कर लो हम विवाह करने के लिए रेडी है हमें कश्मीर दे दो तो आपने बोला हम भी विवाह करने के लिए रेडी है मुझे पूरा <laughs> पाकिस्तान दे सदज <से laughs> इसमें <दहिश्में>, हाँ ये <laughs> सो बहुत बढ़िया डायलॉग था वेट कर रहा हूँ कि इस मूवी में ये डायलॉग आता कब है और उसके बाद क्या होता है देखिए ये इंटरेस्टिंग है उसके बाद क्या होता है आपने देखिएगा तब समझ में आएगा बहुत रोचक है डन थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच आप इधर आए धन्यवाद और आप बहुत सारी बातें करें बहुत सारी शुभकामनाएं ये अच्छा मीडियम है काम से ज्यादा बातें कम <laughs> <laughs> ये मेरी किताब है वो आपने लिखी है हाँ पिछले साल लिखी थी ये ओह वाह और हम बेस्ट सेलर बन गए पहली बार किताब लिखने पे क्या बात काफी है। बहुत सुंदर थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए हमें बताओ कि और कौन कौन से गेस्ट हैं जो आप चाहते हो कि हम आपके लिए लेके आएं आएँ और उनसे कौन से क्वेश्चन पूछें ताकि हम उनसे वो क्वेश्चन पूछें और आपके लिए एक बेटर एपिसोड लेके आएं 2024 ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का हमारा गोल है कि हम एक बहुत वैल्यूबल चैनल बनाएं जिससे हर एपिसोड में आपकी मदद हो अंटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फिगरिंग आउट एंड बिफोर यू लीव ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसको इस एपिसोड से हेल्प होगी क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन इज इनफ टू चेंज लाइफ थैंक यू सो मच